आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने एक ऐसे विषय को लेके की है जिस विषय के बारे में हमको आवश्यकता है बोलने की आप सब लोगों के सामने, क्योंकि हम पिछले कई महीनों से कश्मीर में अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से एक इंटरेक्टिव प्रोसेस को चला रहे हैं वहाँ के समाज के विभिन्न वर्गों से। उसके आधार पे जो हमको पहला एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात लगी आपके साथ शेयर करने की कि एक इम्प्रेशन है कि जमाती इस्लामी की एक्टिविटी ग्राउंड पे फिर से शुरू हो गई है, और दूसरा इम्प्रेशन यह है कि जमाती इस्लामी इस वक्त कश्मीर घाटी में फंड रेजिंग का काम भी कर रही है, और एक इम्प्रेशन देने का प्रयत्न किया जा रहा है कि भाई भारत सरकार के साथ उनका एंगेजमेंट है, भारत सरकार के साथ उनकी बातचीत चल रही है। इस बात का संज्ञान लेके हम ये नहीं कहते हुए कि हमारे पास भारत सरकार की कोई ऐसी बात है कि हम कहेंगे कि वो कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमारी रिपोर्टिंग के माध्यम से हम भारत सरकार को चेता रहे हैं कि अगर कहीं पे भी ऐसी सोच है उसको रोका जाए, क्योंकि आंतरिक विघटन का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी रहा है। पहले भी देश ने जमात इस्लामी के साथ इंडियन स्टेट ने टैक्टिकल अलायंसेस या कहीं पर रिलेशनशिप बना के उन्होंने मुंह की खाई है। सबसे पहले जब भुट्टो असैसिनेशन हो गई उसके बाद कांग्रेस रूलिंग कांग्रेस पार्टी ने जमात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की, उसके बाद जमात का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस बना, जमात का पीडीपी के साथ अलायंस बना, और 90s में जब गवर्नर्स रूल हुआ उस वक्त भी को प्रयत्न किया गया कि जमात के लोगों की सहायता से वो सिचुएशन को इंटरनल सिचुएशन को स्टेबलाइज करें। ये सरकार की लेवल पे ऐसी गतिविधियां हो गई हैं, और हमको मालूम है कि हर एक साइकिल में अल्टीमेटली अलगाववाद उभर के आया, आतंकवाद उभर के आया। हम सरकार को चेता रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कोई भी वर्ग सरकार को पूछ के या सरकार को पूछने के बगैर ये काम कर रहा है उसको रोकना चाहिए, क्योंकि जमात इस्लामी का जम्मू कश्मीर के संदर्भ में वही रोल है जो मुस्लिम ब्रदरहुड का इजिप्ट में है या अंतर्राष्ट्रीय पान इस्लामिक टेररिज्म को लेके है। ये एक इंटरनल सबवर्शन का एक सबसे बहुत बड़ा एक इंस्ट्रूमेंटलिटी है, और सरकार ने पिछली इससे पहले वाली सरकार ने उन्होंने तो ये भी कहा था कि किस तरह से हजारों की संख्या में जमात समर्थित लोग एडमिनिस्ट्रेशन के डिफरेंट लेवल्स पे काम कर रहे हैं। हम सरकार की इस बात को कि उन्होंने कुछ एक्शन लेना शुरू किया है, कुछ एम्प्लॉयज जो इंटरनल सबवर्शन में इन्वॉल्व है उनको डिसमिस किया है, लेकिन हम उनको निवेदन करते हैं जो टॉप मोस्ट इन्वॉल्वमेंट ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक्स में या इवन बिजनेस हाउसेज में जमात इस्लामी की है, उस बात का संज्ञान लेके लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में ले ले कि किस तरीके का इन्फिल्ट्रेशन जमात ने किया, और दूसरा और अगर उनको एक्शन करनी है टॉप बॉटम एक्शन करें। जो सबसे इंपॉर्टेंट लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रहे हैं, चाहे वो अब रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायर्ड प्रोफेसर या इस वक्त वो काम कर रहे हैं, उन पे कार्रवाई करके अगर उनको एक इम्पैक्ट ग्राउंड पे जनरेट करना है वो कर सकते हैं।